गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो फिर से एक प्यार से सुबह की शुरुआत करती हूँ मैं आप लोगों के साथ। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत इंटरेस्टिंग और हेल्दी टिप फॉर योर वेट लॉस जर्नी। ठीक है, हम में से बहुत लोग परेशान होते हैं अपने वेट को लेके, कुछ बढ़े हुए वेट को लेके परेशान है, कुछ कम वेट को लेके। तो आज मैं यहाँ पे बात करूंगी जिनका वेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है या फिर बढ़ता जा रहा है या फिर स्टक हो गया, बीच में वेट कम ही नहीं हो रहा है। तो क्योंकि बढ़े हुए वेट वाले लोगों का रेशियो कुछ ज़्यादा ही है। ठीक है, तो जब भी बात आती है वेट लॉस डाइट की तो हम क्या करते हैं कि लेमन और हनी, खाली पेट सुबह उठ के ये चीज़ें लेते हैं, लेमन और हनी। ठीक है, और यही सेम एज हम दूसरों को भी सजेस्ट करते हैं कि लेमन और हनी लो। और जब हम वेट लॉस करते हैं तो हमें ये भी बताया जाता है कि शुगर और सॉल्ट यानी कि चीनी और नमक, इनकी मात्रा जितना ज़्यादा हो सके उतना कम कर दी जाए ताकि आपका वेट कम हो सके। ठीक है, बट डियर हनी, हम ये भूल जाते हैं कि हनी भी तो एक शुगर की ही फॉर्म है और हम उसको इंटेक कर रहे हैं अपने वेट को कम करने के लिए। यू नो वॉट, हनी और शुगर, इन दोनों के बीच का अगर हम कंपैरिजन करें दोनों के बीच में, 1 टेबल स्पून हनी में कैलोरीज होती है 68 कैलोरीज, और दूसरी साइड अगर हम बात करें शुगर की, 1 टेबल स्पून शुगर इसमें कैलोरीज होती है 45 कैलोरीज। ठीक है, तो फिर ऐसे में कैसे आप वेट लूज कर लेंगे हनी को लेके। ठीक है, और फिर कार्ब्स की मात्रा भी हनी में ज़्यादा ही होती है। ठीक है, और अगर बात करें न्यूट्रिशन, फिर आप बोलोगे न्यूट्रिशन, इसमें इतना भी न्यूट्रिशन नहीं होता हनी में कि वो आपकी डेली की रिक्वायरमेंट को पूरी कर देगा। ठीक है, बट अब हमारा क्वेश्चन ये है कि हनी को किस चीज़ से रिप्लेस करें अपनी वेट लॉस डाइट में। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ, ये है मेथी, मेथी दाना। ठीक है, आप देख रहे हो ना मेथी दाना, हनी को हम रिप्लेस कर देंगे मेथी दाना से, जो कि बहुत ही दमदार चीज़ है भाई। अपने इंडियन जो स्पाइसेस हैं, इंडियन मसाले, उनको बिल्कुल भी इग्नोर मत करो। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही दमदार चीज़ है, पूरी दुनिया हमारे स्पाइसेस को जानती है, कितना फेमस है ये। इंडियन स्पाइसेस की बहुत तारीफ होती है ऑल ओवर वर्ल्ड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मेथी दाना लेंगे। ठीक है, रात को उसको भिगो देंगे पानी में, पानी में सोक कर देंगे, और सुबह उठ के 1 गिलास पानी में 1 टेबल स्पून मेथी दाना आप लोगे। और सुबह या तो आप उसको एज इट इज ऐसे ही इनटेक कर सकते हो या फिर आप उसको बॉईल कर सकते हो। ठीक है, बॉईल करके वो कुछ ऐसे फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, ये देखो, ये 1 ग्लास में मैंने 1 टेबल स्पून मेथी दाना भिगो दिया था रात को, ये फिर मैंने सुबह बॉईल कर लिया है। तो मैं ये तो मैं बहुत लंबे टाइम से मैं इस चीज़ को फॉलो कर रही हूँ, मैं मेथी दाना वाटर पीती हूँ। ठीक है, और फिर उसके बाद जो होता है कि मेथी ये बच गई है, उसको आपको बिल्कुल भी फेंकना नहीं है, उसको आप स्टोर करके रखिए, और या तो लंच में जो भी आप सब्ज़ी बना रहे हो या फिर डिनर में जो भी आप सब्ज़ी बना रहे हो, तो छोक के टाइम आप उसको ये डाल दो, जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद है आपके लिए, इसको बिल्कुल भी नहीं फेंकना है। तो ये सिंपल सी चीज़ है, ये बहुत ही बहुत अच्छी है। अब मैं अगर बात करूँ इसके फ़ायदे, मेथी वाटर के अगर मैं फ़ायदों की बात करूँ तो आप जान के बहुत ही हैरान रह जाओगे। तो 1 टेबल स्पून मेथी दाना कंटेन करता है ओनली 3 कैलोरीज। ठीक है, और शुगर की बात करें तो शुगर तो उसमें होती ही नहीं है, 0 शुगर। और फॉर एग्जांपल मैं आपको उसके इतने सारे फ़ायदे गिनवा सकती हूँ, आपकी हेयर ग्रोथ के लिए इतना अच्छा है, इंसुलिन रेसिस्टेंस इसको मैनेज करके रखता है आपकी बॉडी में। ठीक है, और आपके डाइजेशन के लिए ये इतना अच्छा है, आपकी किडनी फंक्शन को इम्प्रूव करता है, और आपके वेट लॉस में तो बहुत 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 ज़्यादा आपकी हेल्प करता है। तो इसके तो इतने अनगिनत फ़ायदे हैं कि जितना बताया जाए उतना कम है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको सिंपल ये करना है कि सुबह खाली पेट आप मेथी वाटर पीजिए, जिसके कि बहुत ज़्यादा फायदे हैं, और कुछ टाइम बाद आपको इसके रिजल्ट भी दिखने शुरू हो जाएंगे। तो मैं आपको फिर से मिलूंगी एक नई वीडियो में एक नई टिप के साथ, जो कि आपकी वेट लॉस जर्नी में आपकी हेल्प करेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।